गिराओ 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 गिरा दो गिरा दो। ये लो एक तो गिर गई, वो गई गई क्यों भाई साहब। 1 2 3 हेडशॉट लगाओ। ये देखो, हाँ जंपिंग मत करो, पैर नीचे निकल जाएंगे फिर तुम भी निकल जाओगे। I feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string. So hello and welcome back to our YouTube channel Tarun Krishna. तो भाई अभी हम आए हुए हैं EOD Adventure Park के अंदर। भाई बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि फुल एंजॉय हम करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। और साथ ही में यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लेंगे कि यहाँ के टिकट क्या है, हम यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने को क्या क्या मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फुल मस्ती इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है। तो करते हैं शुरू। तो भाई सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये है मयूर विहार संजय लेक, जो कि है न्यू दिल्ली में। और एंटर होते ही आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे जाएगी पार्किंग, ये है यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग और यहीं पर ये है 4 व्हीलर की पार्किंग, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर भाई आप मेट्रो आना चाहते हो तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है त्रिलोकपुरी संजय लेक। त्रिलोकपुरी संजय लेक से यहाँ तक की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। मेट्रो से यहाँ तक आने के लिए आपको रिक्शा भी मिल जाएगा नीचे ही मेट्रो स्टेशन पर ही। तो अंदर चलते हैं और टाइमिंग वगैरह पता करते हैं, टिकट वगैरह पता करते हैं। तो वहाँ पे सामने वो टिकट काउंटर है, चलते हैं और देखते हैं टिकट प्राइस क्या है। और भाई यहाँ पे टिकट प्राइस की बात करें तो भाई यहाँ पे 2 कॉम्बोज हैं, एक है एडल्ट के लिए और एक है किड्स के लिए। तो पहले जो एडल्ट वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन अबव 4 फीट, तो 4 फीट से जो भी ऊपर है उन सब के लिए टिकट प्राइस है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक वीकेंड लिखा हुआ है और एक वीकडेज लिखा हुआ है। तो वीकडेज में यहाँ पर है मंडे से फ्राइडे और वीकेंड में सैटरडे संडे। तो टाइमिंग यहाँ की देखो लिखी हुई है ऊपर ही वहीं पर ही, 11 से रात के 8 बजे तक की यहाँ की टाइमिंग होने वाली है ऑल डेज। यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है एक्सप्लोरर कॉम्बो, उसके बाद दिखाई दे रहा है यूनिकॉर्नर कॉम्बो, उसके बाद किलर कॉम्बो, और उसी की साइड में आप देख सकते हो वीकेंड वाले भी आपको दिखाई दे जाएंगे, एडवेंचर कॉम्बो, अनलिमिटेड कॉम्बो और सुप्रीम कॉम्बो। तो ये सब है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो है एक्सप्लोरर कॉम्बो, सबसे जो बेसिक है 200 रुपीज़ में, जिसमें हमें बॉलिंग मिलने वाली है, आरसी मिलने वाली है, बोर्ड गेम्स मिलने वाली है, ट्री टॉप कोर्स मिलने वाला है, बोटिंग, डार्ट्स, रेन डांस, ये सब मिलने वाला है। और वहीं नीचे आप देखोगे अगर ध्यान से तो लिखा हुआ है ऑल अबव एक्टिविटीज़ अवेलेबल 1 टाइम ओनली। और ये 200 में जितनी भी एक्टिविटी मिलेंगी ना सारी 1 टाइम है ओनली। उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो 300 वाला कॉम्बो है उसमें हमें मिल रही है कुछ 7 यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ मिलने वाली है, जिसमें बोटिंग हमें मिलेगी 1 टाइम, जिपलाइन 1 टाइम मिलेगी और रिमेनिंग जो एक्टिविटी है वो सारी अनलिमिटेड है। उसके बाद नीचे हमारा 400 वाला आता है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है 1 टाइम एक्टिविटी क्या क्या है और अनलिमिटेड क्या क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर आप सुप्रीम लेते हो ऑल ओवर एक्टिविटीज़ 1 टाइम ओनली, जो यहाँ पे है ना वीकेंड वाले में अगर आप आते हो इस वाले में तो इसमें सारी ही एक्टिविटी आपको 1 टाइम मिलेगी, क्योंकि वीकेंड में अभी क्राउड हो जाता है तो इसलिए 1 टाइम ही रखा है इन्होंने सब कुछ ही। बाकी जो किड्स के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ है ना वो 150 में आपको मिलेंगी। किड्स के लिए इन्होंने अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पे किड्स इन्जॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, तो जिसमें किड्स को मिलने वाला है किड्स फन जोन, रेन डांस, बंजी टम्पलिंग, बोटिंग, जंगल हाउस, ये सब मिलेगा किड्स के लिए। और भाई जो लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे जिप साइकिल करें आकर, तो भाई अगर आपका वेट 75 से ऊपर है तो आप जिप साइकिल नहीं कर सकते, उसके नीचे अगर आपका वेट है तो आप कर सकते हो। बाकी कुछ और बातें हैं वो भी आप देख लीजिए। टिकट इज टोटली नॉन रिफंडेबल, तो भाई टिकट आपको वापस नहीं मिलेगी। DSLR अगर आप लेकर आना चाहते हो तो 500 चार्ज है। जिपलाइन जो है उसके अंदर आपका जो वेट है 100 kg लगभग होना चाहिए, अगर इससे ऊपर है तो आप नहीं जा सकते जिपलाइन में। जिपलाइन में जो साइकिल में है आपका वो 75 kg वेट होना चाहिए। बाकी आउटसाइड फूड यहाँ पर अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है कि अगर आप टिकट की फोटोकॉपी कराते हो तो भाई तो ये सब आप चालाकी यहाँ पर नहीं कर सकते, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। एक टिकट लोगे तो एक ही एंट्री मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो एनुअल पास भी आप ले सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड राइड्स, अनलिमिटेड विजिट, अनलिमिटेड फन, वो आपका होगा 1500 में। तो भाई बढ़िया है, जिसको ये वाला लेना हो ये भी ले सकता है, 1 साल तक आओ मजे करो। बाकी आपको यहाँ पे लॉकर भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर आपको अपना बैग वगैरह रखना हो तो 50 रुपीज़ उसका चार्ज है। तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ के बारे में दे दी, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, DM भी कर सकते हो वहाँ पे। कि आपको चारों ओर यहाँ पे कुछ इस तरीके के एरो दिखाई देंगे जहाँ पर लिखा होगा कहाँ पर आपको क्या एक्टिविटी मिलने वाली है। तो भाई साथ में केशव भाई आए आज, तो भाई बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे देखो आप सामने देख रहे हो ना यहाँ पे मैप बना हुआ है, ये मैप पहले नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ दिखाया हुआ है कहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। तो बुल राइड भी यहाँ पर, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ है, मतलब जिप लाइन, तो देखते हैं जो भी है जैसे भी इंजॉय करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है आर्चरी, तो चलते हैं और आर्चरी करते हैं साथ में। ये दे रहे हो ये तो मेरे साथ में आए थे, बाकी यहाँ पर ये पापा की प्रो, क्या बोला तूने, पर ये पापा की प्रो।
क्या क्या मतलब एक सिस्टर मिली हमें यहाँ पे, ये भी शूट कर रही थी, तो चलते हैं सारे यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये भाई कर रहे हैं, इनके बाद हम करेंगे यहाँ पे, देखते कैसा निशान लगाते हैं। ठीक ठाक था बस, वो वहाँ पे चुपका नहीं उधर। अभी हमारे तरुण भाई देखो ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं निशान लगा पाते कि नहीं। भाई ये स्टाइल में उठाते हुए और तीर कमान को सेट करते हुए ये भाई अच्छे लग रहे हो। तो भाई बढ़िया है, सही इंजॉय कर सकते हो, खेलो खेलो आप, कंटिन्यू करो, तो बढ़िया है, इंजॉय कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो आप ट्री टॉप कोर्स है, तो ये ट्री टॉप कोर्स में क्या है, हमें 1x1 जाना होगा, वरना इसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ जाएगा, तो सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। तो चलो भाई चलो चलो, तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे ये एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, तो इसको क्रॉस करके जाना है। ये तो इतना टफ है नहीं है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें टफ मिलता है, हिल रहा है तो काफ़ी। ये देखो पूरी सेफ्टी यहाँ पे, आप पकड़ के आराम से चलो, और धीरे धीरे हमें ऊपर ढलान आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत हिल रहा है, तो एक एक करके आना है ये लड़की, एक एक करके आना, बोला नहीं था। तो चलते हैं ऊपर, तो एडवेंचरस है काफ़ी, धीरे धीरे भी आगे और भी एडवेंचर हमें मिलने वाला है इसमें। तो फाइनली ये वाला तो हमने कर लिया क्रॉस फर्स्ट। तो भाई ये सहजान है, तो देखो कितनी हालत खराब होगी इसमें ही, डर लग रहा है, आप कैसे चढ़ गए यहाँ पे, इसमें डर लग रहा है तुम्हें, अभी आगे देखना हालत खराब हो जाएगी फिर। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी ये है कुछ उस तरीके की, यहाँ पे देखो नेट है और इसको क्रॉस करके हमें जाना है। तो ये केशव भाई जा रहे हैं यहाँ पर से, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो नेट कितने सारे हैं, लगभग 4-5 नेट है यहाँ पर, जो कंटिन्यू इन्होंने लगाए हुए हैं लेयर बाय लेयर, तो इसको क्रॉस करके जाना है, काफ़ी एडवेंचरस है ये भी। तो भाई चलते हैं अब यहाँ पर, ये जो आप ये नेट देख रहे हो इसमें, तो चलते हैं भाई, डर तो लग रहा है क्योंकि नीचे देख रहे हो पूरा एक नेट के अलावा, मतलब पूरा नीचे जिनको ऊंचाई से डर लगता है ना उनके लिए तो बड़ा खतरनाक है ये। भाई हम तो करते रहते हैं एडवेंचर ब्लॉग शूट करते हैं, तो ओए तरुण भाई आप तो बड़े बढ़िया लग रहे हो यार, ये कितनी ऑसम है यार। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी ये है, ये बड़े खतरनाक आ गया अंदर, मतलब जो टनल जैसी चीजें होती है ना, सफोकेशन होता है उनके अंदर। तो ये भाई जा रहे हैं, इनके बाद हम चलेंगे, चलो चलो चलो। तो भाई चलते हैं इसके अंदर, टनल जैसी चीजों से मुझे बड़ा डर लगता है, सफोकेशन होती है, अंधेरा होता है, तो खैर कोई नहीं है, आपको दिखाने के लिए चलेंगे। देख रहे हो भाई पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए हो। तो खैर कोई नहीं, चलते हैं, वो डर लग रहा है मेरे को बड़ा। ये देखो नीचे देखो, पूरा स्पेस है, नेट ही नेट है बस, बाकी नीचे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखो सामने देख रहे हो भाई साहब, काफ़ी घुटन सी हो रही है इसमें, मेरा यार बेहोश हो गया ना, गिर पड़ूं, मुझे डर लगता है इस चीज़ों से। चलो 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 चलो, कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से, वो है पूरा हिल रहा है तो अंदर से। चलो चलो चलो, ये देखो ऊपर शूट करने में लग रहे हैं, चलो चलो। तो फाइनली थोड़ा सा और रह गया। तो भाई आ रहे हैं भाई, भाई कैसा लग रहा है आते हुए, पूरा यार घुटन हो रही है, जल्दी से आ जाओ फिर भाई फटाफट। तो भाई ये देखो निकल चुके हैं भाई, तो मजा आया कि नहीं आया, मजा तो आया, बट मुझे यार गुफा वाली चीजों से डर लगता है, गुफा टनल जो होता है ना, सफोकेशन होती है, हाँ, मेरे लिए काफी खतरनाक था ये। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्रिज है जिसको हमको क्रॉस करके जाना है। तो भाई चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये जो आप ब्रिज देख रहे हो वो, इसमें आवाज आ रही है, आ जाओ भाई आ जाओ, पीछे आ जाओ सारे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ओ गया 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 गया, वो ये तो पूरा हिल रहा है, ये पूरा हिल रहा है, पूरा हिल रहा है ये तो, पूरा हिल रहा है, आओ आओ तुम भी आओ, वो ये तो पूरा हिल रहा है, वो गया 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 गया, वो नीचे उतर गया, वो बहुत खतरनाक है। तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हिल रहा है बहुत ज्यादा, मरा 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 मरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई साहब जल्दी निकले आ जाओ, तो भाई साहब बहुत ज्यादा हिल रहा है ये, देख रहे हैं आप जो ये तार से लगाए हुए हैं इन्होंने, वायर के ऊपर बुट लगाई हुई है ऐसे, बहुत हिल रहा है, बहुत मूवेबल है।
अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर चलते हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये वाली जो एक्टिविटी है ना इसके बारे में बताता हूँ अभी। तो भाई यहाँ पे आप सामने यहाँ पे देख रहे हो ना, ये संजय लेक है, ईओडी एडवेंचर पार्क की लेक है ये, और ये दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी लेक है। ये देख रहे हो वहाँ दूर तक जा रही है, और यहाँ पे भी आप सारे में देख सकते हो पूरे में लेक ही लेक है ये। तो दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी लेक है, यहाँ पे भी अभी चलेंगे हम बोटिंग करने। तो पहले यहाँ पर चलते हैं इस वाली एक्टिविटी के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है ये, इसमें स्ट्राइड बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से हम नीचे पहुँच जाएंगे, मतलब जस्ट अ सेकंड में हम नीचे पहुँच जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो भाई देख रहे हो किस तरीके से है ये, भाई साहब बहुत खतरनाक है, ये एकदम से फिसल जाते हैं, इसके अंदर पता भी नहीं लगता है। तो पहले मैं सही से बैठ जाता हूँ, यहाँ पे देखो रस्सी लगाई हुई है इन्होंने, तो इसको पकड़े रहना है, इसको नहीं छोड़ना है आपको, इसको छोड़ दूंगे ना तो भाई एकदम से पहुँच जाओगे नीचे, लग भी सकती है, तो ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा फिसल रहे। तो बैठ जाओ यार, बैठूँ कैसे, तो बड़ा मुश्किल है ये। तो बैठते हैं पहले सही से इसके अंदर, तो चलते हैं इस वाली एक्टिविटी में, तो मज़ा आने वाला है, एकदम से पहुँचेंगे हम नीचे। 1 2 और ये 3। मैंने पैर से अटका लिया और एकदम से आगे जाता मैं, तो मज़ा आया इसमें, तो चलते हैं अब आगे। जैसी दी एक्टिविटी देखो, पूरा यहाँ पे से ऊपर से हम फिसलते हुए आए हैं पूरा यहाँ से। तो अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे, यहाँ ये एक्टिविटी है, इस पे चलते हैं, ये भी एक ब्रिज है। ये इस वाले में क्या होता है ना, मतलब ये नीचे रबर है ना, तो ये मतलब ऐसे जंपिंग होती रहती है इसके अंदर, ट्रम्पलिन का बच्चा ही। हाँ जंपिंग मत करो, पैर नीचे निकल जाएंगे फिर तुम भी निकल जाओगी। तो ये एक एक्टिविटी थी, ये ब्रिज था, और दूसरा यहाँ पे टायर वाला एक ब्रिज है। देखो जो ये टायर है ना पूरे डांस करते हैं ये, देखो किस तरीके से हो रहा है, ड्यूलेक्स 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 पानी वाला डांस। कोई टी टॉप पहुँचता ये तो हमने कर लिया कंप्लीट, काफी मजा आया, काफी एडवेंचरस था। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है, यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है शायद, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। देखो बैम्बो से पूरा एक हट रेडी की गई है, बाकी यहाँ पर देखो कुछ सॉइल से, मतलब होता है ना पुराने टाइम में किया करते थे गाँव में, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। बाकी वहाँ पे उस साइड आप देख रहे हो यहाँ पे रेन डांस हो रहा है, तो चलते हैं वो देखते हैं एक बार। अरे रेन डांस करोगी क्या, रेन डांस करोगी? हाँ करेंगे, चलो। अच्छा फिर गीले कपड़ों में जाने देंगे एक्टिविटी में? हाँ मतलब दिखा देते हैं बाहर से ऐसे ही। तो भाई बहुत ही अमेजिंग यहाँ का रेन डांस है, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग, कपल्स भी हैं, गर्ल्स फ्रेंड भी हैं और बॉयज फ्रेंड भी हैं, तो सब है यहाँ पे, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग है यहाँ का रेन डांस। तो बिल्कुल पानी की ऐसी बौछार आ रही है, एक नंबर लग रहा है, मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, वो गाना चल रहा है, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया है। बाकी यहीं पर ही अंदर आपको आइसक्रीम शेक वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ पर सामने लगा हुआ आई लव ईओडी। तो अभी हम चल रहे हैं बोटिंग करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने ना कहीं सेल्फी स्पॉट भी बना दिया, जैसा सामने आप यहाँ पे देख रहे हो एक हट बना दिया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स हैं काफ़ी, तो सारी फोटोशूट कर रही हैं, वहाँ सामने आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से हट है, तो यहाँ भी आप फोटोशूट कर सकते हो जाकर, लेक के बैकग्राउंड के साथ फोटोशूट करवाना है तुम्हें, हम नहीं कर रहे जाओ। तो भाई ये है कुछ एरिया यहाँ का, बाकी यहाँ पे देखो लाइटिंग भी लगी हुई है, तो रात में यहाँ पे लाइटिंग हो जाएगी, तो उसके साथ भी आप अच्छी फोटोशूट कर सकते हो। देखो ये होगी ना पागल, तो लड़की ऐसी करती है। तो भाई बोटिंग पर भी काफ़ी क्राउड हो रहा है, तो चलते हैं अभी बोटिंग में, ये गर्ल्स हैं इनके बाद हम चलेंगे। भाई फाइनली हमारा नंबर आ गया, यहाँ पर ये लाइफ जैकेट है, तो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। कितना गहरा भाई ये? मैम 4.5 फुट है, 4.5 से 5 फुट की गहराई, 4.5 फुट बोलो, 4.5 से 5 फुट गहरा ये। अच्छा अच्छा, हाँ टाइमिंग क्या है इसकी? 20 मिनट की है। अच्छा 20 मिनट तक चला सकते हैं। तो भाई ये रही यहाँ पर हमारी बोट, हम 3 लोग हैं, तो इसमें जाना है हमें 4.5 से 5 फुट गहरा, इसको बता रहे ज्यादा गहरा है नहीं है। भाई अब सीट बची नहीं है, तो भाई ये जो लड़की हमारे साथ है ये यहाँ बीच में बैठेगी, इधर आ जाओ आ जाओ, डरो मत, हुई गिरी, ओह माय गॉड गिरी। यहाँ बीच में देख रहे हो, तो भाई बोट के अंदर आ चुके हैं, वोटिंग कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। बोट छोटी थी, हम 3 लोग थे, तो हम 2 तो आराम से बैठे हो, बाकी ये लड़की को देखो कहाँ बैठी हुई है, ये बीच में बैठी है लड़की, देख रहे हो गाइस, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, भाई मेहनत कर रहे हैं दोनों, एक इधर भाई बैठे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तरुण भाई मेहनत कर रहे हैं। तो भाई ये लड़की यहाँ पे आराम से बैठ के बोटिंग के मजे ले रही है, हम दोनों को चलानी पड़ रही बोट। तो भाई थोड़ा सा बोटिंग के बारे में बता दूं, आपको पैडल मारते रहना होता है अगर बोट चलाते रहनी है आपको, तो बाकी पैडल नहीं मारोगे तो रुक जाएगी एक जगह। बाकी यहाँ से आप देख रहे हो, इससे आपको कंट्रोल करना होता है कि आपकी बोट को आपको किधर भेजना है, क्या डायरेक्शन देनी है, यहाँ से कंट्रोल करना है। भाई ये बढ़िया है कि भाई शाम हो चुकी है, 5:30 बज रहे हैं और हमें गर्मी नहीं लग रही है, इंजॉय कर रहे हैं हम। गर्मी लग रही है क्या भाई? नहीं भाई बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही। तो शाम को अगर आप बोटिंग करने के आते हो तो बेटर रहेगा, ईओडी शाम के लिए है गर्मी के टाइम में, विंटर में अगर आपको ईओडी आना हो तो जब मर जाओ, विंटर में तो गर्मी की टेंशन ही नहीं है। I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh, everything is like a test। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो भाई, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो इधर?
क्या कर रहे हो? ये सफाई कर रहे हो? सफाई कर रहे हैं भाई, यहाँ पे बता रहे हैं फेमस हो गए भाई। बहुत मजा आ रहे हैं। Like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. कि आपको यहाँ पर ये मिलेगा ढिंचक ढाबा, तो यहाँ से आपको जो स्नैक्स वगैरह भी खा पी सकते हो। तो ये आप सामने देख रहे हो, ये है जिप साइकिल। तो इस पर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा वेट 75 से अबव है, तो बैड लक की हम नहीं जा सकते यहाँ पर। खैर कोई नहीं। तो भाई हम ये जिप लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहनना है पहले सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट। I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. तो भाई zipline में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल लल्लू लग रहे हैं ये सब पहन के। ये देखो हेलमेट है, यहाँ पे ग्लव्स मिले हैं हाथों में पहनने के लिए। बाकी ये आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे ये पूरी सेफ्टी बेल्ट है, टाइटली हमें बांध दिया गया है। तो लल्लू लग रहे हैं, चलते हैं। ये हमें हाथों में पहनने, हाथों में पहनते हैं ग्लव्स। यहाँ पे आप बॉलिंग देख रहे हो, तो बॉलिंग के बगल में यहाँ से स्टेयर्स जा रही है जिपलाइन के लिए। फाइनली यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। भाई कितनी होगी ये, कितनी है ये जिपलाइन? हाँ लेंथ इसकी 150 की, 150 इसकी लेंथ, 150 मीटर। और हाइट कितनी होगी इसकी? 50 फुट समथिंग हाइट है। यार जिपलाइन में चलने के लिए बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो मजा आने वाला है जिपलाइन में, काफी ऊपर है, लगभग 50 फुट बता रहे हैं। तो चलते हैं। तो भाई चलते हैं जिप लाइन में। भाई बता रहे कि एंड में हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा वहाँ पे एंड में। ये इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, यहाँ से टाइट पकड़ लेना है, होल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से ब्रेक लगाने चलते हैं। तो चलें, तो ये मैं बैठ चुका हूँ। तो 1 2 3 तो गाइस काफ़ी मज़ा आया, बहुत स्पीड में आई ये वाली जिपलाइन। मैंने काफ़ी जिपलाइन करी है बट ये बहुत ज़्यादा स्पीड में आई। तो भाई अब ये करते हैं, पीछे आप यहाँ पर देख रहे हो बॉडी जोर्बिंग। तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है, एक दूसरे में मतलब टकराते हैं, फाइट करते हैं, लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। तो यही करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कैसी फाइट हो गई। ओ गया। वो देखो वहाँ पे वो लड़की है, वो कैसे मतलब उसको पूरा लुढ़का दिया। इसको देख लेते हैं एक बार, देखो एक बार बताना भाई इसके अंदर किस तरीके से लगाना है मतलब। तो यहाँ पर दिखा देते हैं अंदर, देखो यहाँ पे बेल्ट है पूरा टाइटली हमें पैक कर दिया जाएगा, तो पूरी सेफ्टी है, तो फुल एंजॉय आप इसमें कर सकते हो। तो चलते हैं। ये हमारे तरुण भाई आ रहे हैं अभी बलून के अंदर से। अब पता नहीं किससे ये मुठभेड़ करने वाले हैं, किससे लड़ाई होने वाली है भाई की। तो गाइस मजा आने वाला है, पूरी तरीके से तैयार है, चश्मा हटा दिया ताकि टूटने का डर हो सकता है चश्मा, तो करते एंजॉय। और ये भाई है, और तरुण भाई का और भाई के साथ लड़ाई होने वाली है गाइस। देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये देख रहे हो खतरनाक फाइट हो रही है गाइस। कैसा लग रहा है तरुण भाई? आ जाओ। ये तरुण भाई गिर चुके हैं। ये तरुण भाई देख रहे हैं पूरा उल्टा हो चुके हैं, शायद मुझे हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा तरुण भाई की। वो सीधा करो। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद सह जाए यहाँ पे सामने, कैसा लग रहा है भाई? यार मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है अभी तक तो। अब देखते हैं फाइट कैसी होने वाली है गर्ल्स तो, के साथ अभी आने वाली। तो वहाँ पे वो गर्ल हैं, तो करो स्टार्ट करो फाइटिंग अभी आने तो। वो रही ना मच्छरों की तरह नहीं करना, तेज मारना है। मजा नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं गिरेंगे, मेरे को लग रहा मुझे ही गिराएंगे। ऐसे नहीं गिरेंगे, तुम्हें ही गिराना पड़ेगा। गिराओ। ये लो एक तो गिर गई, वो गई क्या? ओ भाई साहब ये क्या हो गया? अंदर जागना पड़ेगा। क्या हो गया? तो भाई थक गए इसमें बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, जिसका वेट ज्यादा होगा ना वो सामने वाले को हरा देगा। तो केशव भाई के साथ मैं एंजॉय कर रहा था, केशव भाई का वेट मुझसे ज्यादा है, तो इसलिए बार बार मुझे लुढ़काए जा रहे थे।
खैर मजा काफी आया और थक गए। बहुत मजा आया गाइस, बहुत मजा आया, आओ कभी यहाँ पर, बहुत मजा आया। नेक्स्ट यहाँ पे बुल राइड है, इसके बारे में आपको मालूम ही होगा, बैलेंस बनाना होता है। तो भाई करोगी तुम ये? करोगी? करूंगी। है कर लोगी भाई साहब, लड़की में जिगरा है। देख कितना बैलेंस हम बना पाएंगे। लाओ चश्मा दे दो मेरे को आप। तो तरुण भाई बेइज्जती मत कराना। चलो तरुण भाई। तो भाई गिर गए तरुण भाई। सांड छोड़ो नहीं। वन सेकेंड। चलो चलो चलो। ओ मजा आ रहा है। ओ गया गया गया। बचाओ 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 बचाओ, कोई तो बचाओ भाई। नहीं गिरूंगा। तेज घुमा दो भाई, तेज घुमा दो। नहीं गिरूंगा। बुल से पंगा। तरुण भाई बुल से पंगा। बस भाई मुझे सबसे ज्यादा मजा बुल में ही आया भाई। बुल की जो राइड थी पूरा इतना बैलेंस बनाना था, काफी मजा आया भाई। बहुत मजा आया। बैलेंस सही बनाया था मैंने, तुमने तो कुछ बैलेंस बनाया नहीं था। पूरा एरिया देख रहे हो, सब कुछ बच्चों के लिए है। ये बच्चों के लिए है, इसमें बच्चे इंजॉय कर सकते जंपिंग करके। बाकी वहाँ सामने मिक्की माउस है, यहाँ पे एक मिनी ट्रेन है बच्चों के लिए, देखो बच्चे यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं। बाकी वहाँ एक और ट्रेन है, यहाँ पे देखो बच्चों की स्लाइड है छोटी सी। बाकी यहाँ एक आप देख सकते हो, ये एक स्लाइड है। बाकी वहाँ भी पीछे देख रहे हो, यहाँ पे बंजी जंपिंग है बच्चों के लिए। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो जंगल हाउस लिखा है, तो भाई ये बच्चों के लिए पूरा जंगल का एडवेंचर है। तो ये सब तो हमने जैसे ट्री टॉप कोर्स था ना हमारे लिए, तो वैसे ही है ये बच्चों के लिए, तो टोटली बच्चों के लिए, बड़ा नहीं जा सकते यहाँ कोई। यहाँ चलते हैं अंदर, बॉलिंग करते हैं चल के। यहाँ कुछ इंडोर गेम्स हमें मिलने वाली है अंदर का है, तो बॉलिंग करेंगे हम। बाकी हमें टेबल टेनिस और कैरम नहीं खेलना, बॉलिंग करेंगे हम। यहाँ पे हमारी बॉल लग चुकी है, कितनी बॉल है ये? 8 बॉलें हैं यहाँ पर, और वहाँ सामने में गिरानी है, तो 4 नंबर पे मतलब हमें गिरानी है, देखते कितने गिरा पाते हैं। भाई अभी ले लिए तरुण भाई ने, भारी है। चलो फिर भाई छत मत उड़ा देना, एक वीडियो देखिए ना छत उड़ जाती है, छत मत उड़ा देना बस। चलो भाई तो बड़ा भारी है। चलो तो फिर गिर जा। अरे वाह, दो बची है सिर्फ टू। एक और चांस। क्या ये प्रो प्लेयर हो क्या? बॉलिंग में भी काफी मजा आया। अब हम चल रहे हैं लेजर टैग की तरफ, चलते हैं लेजर क्रेजर के अंदर, तो एंजॉय करेंगे इसमें पबजी वाली फीलिंग पूरी। तो वही यहाँ पे लोग कर रहे हैं एंजॉय, ये देखो पूरा पबजी वाली फीलिंग है। ये देखो कहाँ छुप छुप के शूट कर रहे हैं, वहां से देखो कर रहा कोई शूट। मारो। देखो यहाँ पर अंदर देखो कैसा पूरा कैसा चमक रहे हम। ये देखो यहाँ पे लड़कियाँ हुए कपड़े कपड़े चमक रहे हैं बस। तो भाई देखो भाई को यहाँ पे गन मिल गई, यहाँ पर इसमें गन भी रिलोड हो जाती है। भाई हो चुके यहाँ पे रेडी, गन आ चुकी है, मुझे मत मारो। तो वो हेडशॉट लगा रहे हैं, पूरा हेलमेट वगैरह सब मिल गया है, तो खेलने के लिए स्टार्ट है भाई। चलाओ मारो। वो गया हेडशॉट लगाओ। ये देखो अरे तुम्हारे मार दिया, तो आउट कर दिया तुम्हारे सर पे मार दिया उसने। तो भाई बहुत मजा आया, लगभग 4 घंटे लग गए हमें सब कुछ एंजॉय करने में। सारी एक्टिविटी हम कर चुके हैं, छोटी मोटी 2-4 रह गई है, झूला झूलना और रस्सी वाला झूला होता है, ये सब नहीं दिखाया हमने छोटा मोटा। काफी मजा आया, बहुत बढ़िया कर दिया गया है इसको, पहले इतना बढ़िया नहीं था जितना हो चुका है। तो आओ इन्जॉय करो, सारी डिटेल मैंने दे दी है, कोई डाउट हो तो कमेंट में जाके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए थे अभी तक टिके हुए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, अगर नहीं कराया तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।